मुंबई इंडियंस होगी प्लेऑफ की रेस से बाहर, लगेगा बड़ा झटका। मुंबई को अभी चार रास्ते भी नहीं बचा सकते, कप्तान रोहित की बढ़ी टेंशन। लखनऊ से मिली एक हार ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। लखनऊ से हार कर मुंबई ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। उसके लिए प्लेऑफ की राह बेहद आसान थी, लेकिन एक हार ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। आईपीएल की अंक तालिका में एक तो पहले से ही दिलचस्प बनी थी, अब लखनऊ बनाम मुंबई मैच के नतीजे ने उसे और भी रोचक बना दिया। लखनऊ ने मुंबई को हराया और उसी के साथ अंक तालिका ने भी नया मोड़ ले लिया। अब पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, मुंबई की टीम अगर टूर्नामेंट से अब बाहर भी हो जाए तो हैरान मत होइएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हमारे ऐसा कहने के पीछे वजह भी है। लखनऊ से हारने पर उसके अब 13 मैचों में 14 अंक है, मतलब अब वो सनराइजर्स हैदराबाद को अपने आखिरी मैच में अगर हरा भी देते हैं तो उनके 16 अंक ही हो पाएंगे। तो अब आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो चार रास्ते जो मुंबई को बाहर होने से नहीं रोक सकते। नंबर एक, चेन्नई, लखनऊ और आरसीबी ने मैच जीते तो मुंबई होगी बाहर। अगर अब चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी बाकी बची एक एक मैच जीत लिए और आरसीबी ने आखिरी दोनों मुकाबले अपने नाम कर लिए तो मुंबई इंडियंस का बाहर होना फिर तय हो जाएगा। आरसीबी और मुंबई दोनों ज्यादा से ज्यादा 16 अंक तक पहुंच सकते हैं, ऐसे में पैंच रन रेट पर जाकर फंसेगा, जिसमें मुंबई इंडियंस को झटका लगेगा क्योंकि उसका रन रेट माइनस में है और आरसीबी का प्लस में। दूसरा रास्ता, आरसीबी की छोटी जीत और सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा कर बने की मुंबई की बात। अब सवाल है कि मुंबई इंडियंस का रन रेट बेहतर कैसे होगा, तो इसके लिए आरसीबी अपने दोनों मैच जीते तो उसका मार्जिन 10 रन से अधिक का ना हो, वहीं मुंबई की टीम हैदराबाद को कम से कम 80 रनों से हरा दे। इसी सूरत में रन रेट के मामले में आरसीबी से आगे निकल सकती है, हालांकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल दिखता है। तीसरा रास्ता, चेन्नई, लखनऊ, आरसीबी और पंजाब में से कोई दो अपने बचे मैच हार जाए। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का मुंबई इंडियंस के सामने सबसे आसान तरीका तो यही था कि वो अपने बाकी बचे में दोनों मुकाबले जीत लेती, लेकिन जब एक वो हार चुकी है तो उस सूरत में उसे अपनी करनी के साथ दुआओं की जरूरत पड़ेगी। मुंबई की टीम को करना ये होगा कि बस सनराइजर्स के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच जीत ले और फिर दुआ करे कि चेन्नई, लखनऊ, आरसीबी और पंजाब में कोई दो टीम अपने बाकी बचे मैच हार जाए। चौथा रास्ता, आरसीबी और पंजाब की हार की करनी होगी दुआ। अगर मुंबई इंडियंस हैदराबाद के खिलाफ हार जाती है तो उसके 14 अंक ही रहेंगे। इस सूरत में उसे दुआ करनी होगी कि आरसीबी और पंजाब अपने एक एक मैच गंवा दे, इसमें भी आरसीबी की हार इतनी बड़ी हो जिससे उसका रन रेट उसके मुकाबले घट जाए। तो अब देखना होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर होती है या फिर पॉइंट्स टेबल में रहती है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।